नमस्कार। रियली दोस्तों, दिल्ली में बहुत ठंड है और यहाँ जब मैं आया तो मौसम बिल्कुल उल्टा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि यहाँ के मुंबई के लोग ठंडे हैं। नमस्कार। मच बेटर। और मराठी बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन एक वर्ड सीखा है, अस्काय मुंबई, सही है? ओ अब ऐसा नहीं है, पता चले पकड़ लो यार गलत बोला है। दोस्तों, मेरा नाम टीपीएस बेदी है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर के साथ मेरा सफ़र लगभग 10 साल पहले स्टार्ट हुआ। इसमें आने से पहले मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री रही है प्रिंटिंग और पैकेजिंग की, और जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था तो उस इंडस्ट्री की उम्र लगभग 27 साल थी। आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग वो 36 साल होती है अगर मैं उस इंडस्ट्री को कंटिन्यू करता, लेकिन फॉरएवर ने इतनी फ्रीडम दी है कि आज उस इंडस्ट्री को कंटिन्यू करने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं होती है। हम टोटली कम्प्लीटली उसको वाइंड अप कर चुके हैं। फॉरएवर के साथ जुड़ने का जो पर्पस था, वो पहले शुरुआत में प्रोडक्ट्स था। मेरे फादर साहब की हेल्थ ठीक नहीं थी और उनकी हेल्थ के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, ट्राई किए, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत मार्वलस नज़र आए, रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगे। और क्योंकि जब भी फादर साहब हॉस्पिटल से घर आए थे तो उनका पता लेने के लिए कुछ भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आते थे तो रिकवरी उनकी बड़ी अच्छी नज़र आने लगी थी, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि बड़ी अच्छी रिकवरी हो रही है, तो कैसे हो रही है? तो हम लोग उन्हें एलोवेरा ऑफर कर देते थे। अभी जब एलोवेरा ऑफर करते थे तो उनको भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आने लगे, धीरे धीरे बड़ा फेथ इसके ऊपर डेवलप हो गया। तो फिर एक दिन मैंने अपने अप्लायंस की तरफ से बात करके, कंपनी की बात करके, क्योंकि जब मैंने फादर साहब के लिए प्रोडक्ट ट्राई करने थे तब मैंने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो अच्छी ले ली थी, तो फिर एक दिन डिसाइड किया कि इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में या कुछ और नॉलेज लेने के लिए मैं कंपनी जाने लगा। और जब मैं कंपनी में मीटिंग करने लगा, देखने लगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इसके अंदर बड़ा अच्छा बिजनेस भी नज़र आने लगा। लेकिन मीटिंग्स देखने के बाद भी, लिटरेचर देखने के बाद भी, दिल से कभी ऐसी शुरुआत में आवाज़ नहीं आई कि नहीं इसको फुल टाइम कैरियर बनाया जाए। लेकिन एक बार एक ऐसा ही सक्सेस डे मैंने अटेंड किया दिल्ली में, और सर आपको याद होगा वो सक्सेस डे वो था जब आर्टिक सी का लॉन्चिंग था दिल्ली में, और दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेस डे जिसमें मैंने आर्टिक सी को लॉन्च होते हुए देखा था। और उस सक्सेस डे के बाद मैं एक्चुअल में समझ पाया कि ये कितना बड़ा बिजनेस है, कितने बड़े रिजल्ट ला सकता है और लाइफ में कितनी बड़ी चेंजेस ला सकता है। उसके बाद से मैं सीरियस हुआ और पिछले दस सालों में मैं हमेशा ये देखते चला आ रहा हूँ कि मेरी टीम के बहुत सारे लीडर्स और ऑल ओवर इंडिया में एफएलपी के बहुत सारे लीडर्स जो टर्न अप हुए वो कहीं ना कहीं सक्सेस डे के कारण, जो उन दिनों में हम रैली या जोनाथन रैली कहा जाता था उसको कहते थे, उससे टर्न अप होते हैं, क्योंकि एक विश्वास बिल्डअप वहाँ से होता है। तो एनीवे, वहाँ से एक विश्वास बिल्डअप होगा कि इसको पूरा कैरियर बनाया जा सकता है, और इसको देखने के लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं समझूं इस बिज़नेस को, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लूं। तो मैंने निश्चय किया कि कुछ और जानकारी लेना स्टार्ट करें, और उसके लिए मैंने कुछ लिटरेचर का सहारा लिया, कुछ सीडीज थी उन दिनों में एक दो वो थी, और कुछ बुक्स थी उनको लेना पढ़ना स्टार्ट किया, मीटिंग्स में जाना स्टार्ट किया। उन दिनों में हफ्ते में एक ही मीटिंग हुआ करती थी, और जब मैं उस मीटिंग्स को देख रहा था, उनके बारे में जान रहा था, तो एक विश्वास पैदा होता जा रहा था कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो जब मैं इस अचीवमेंट के बारे में वर्किंग करना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ लीडर्स वहाँ पे मैं देखता हूँ दिल्ली में, बड़े अच्छे ढंग से कामयाब लीडर काम कर रहे थे। यहाँ पे इस मंच में मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआती दौर पे वो मेरे मेंटर बने, मेरे गुरु हैं आज भी वो लोग। उन लोगों ने कमाल का साथ दिया मुझे शुरुआती दौर पे, और उन लीडर्स में से अगर मैं नाम लूँ तो सुनील गुप्ता जी, प्रेम राजन सर, मेजर भटनागर सर, महेश्वरी सर, श्री हरलालका जी, देवर द फैंटास्टिक लीडर। मैंने उंगली पकड़ के उनके साथ फॉरएवर में चलना सीखा। एनीवे, जब वो काम करना स्टार्ट किया, काम करते चले गए, तो धीरे धीरे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, कार प्लान, ये सब अचीव हुआ, काफ़ी चीज़ें मेरे को बेनिफिट दी। और फॉरएवर में मुंबई मेरे लिए हमेशा लकी रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि लास्ट टाइम जब मैंने स्टेज पकड़ी थी और माइक मेरे हाथ में था बोलने के लिए, रेक्स सर ने मुझे पिन भी लगाई थी, मुझे याद है, मैनेजर कार प्लान मैंने मुंबई में अचीव किया था, और इस बार ही मेरी टर्नअप जो पिन हो रही है, और पहली बार सोरिंग मैनेजर बनने के बाद माइक पकड़ रहा हूँ, फिर मुंबई में पकड़ रहा हूँ।
तो मुंबई इज ऑलवेज लकी फॉर मी. ना द पॉइंट एक ये, जब मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था तो जो अचीवमेंट होती चली जा रही थी और जो स्ट्रगल हमने की उस पीरियड के दौरान, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला. वो सीखा ये है कि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाली समय में सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं. आईटी इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ जाएगी इंडस्ट्री, और बड़ी सारी इंडस्ट्री को छोड़ जाएगी. कारण बहुत जरूरी है, आज हर इंसान अच्छी सेहत चाहता है और अच्छी सेहत के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सोल्यूशन उसे नजर नहीं आ रहा अभी. अच्छी सेहत, अच्छा एक बात और है, आम इंसान को अब यह भी समझ में आ गया है कि प्रिवेंशन ही बेहतर है. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, कहा जाता था, कहावत थी, सुनते थे लेकिन लोग मानते नहीं, लेकिन आज मानते हैं, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. वो वेट नहीं करते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो तो तब मैं अपनी सेहत के बारे में सोचूं, आज उन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया. तो ये मैंने उस वक्त महसूस कर लिया था कि वेलनेस का दौर तो आने वाला है, इसमें कोई सेकंड दौर नहीं, पूरी दुनिया. और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाएंगे तो मार्केट में पाएंगे बड़े अच्छे न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, लेकिन फॉरएवर जैसा एलोवेरा जेल जो तीन स्टेज एक साथ करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, न्यूट्रिशन देगा, बॉडी को सेल लेवल पे जाके रिपेयर करेगा और यहां तक इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के आपको हेल्दी करेगा, ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा. और एलोवेरा बनाने में अगर दुनिया में सबसे बड़ा हेल्दी प्रोडक्ट एलोवेरा है तो FLP फॉरएवर का मुकाबला पूरी दुनिया में एलोवेरा को लेकर तो हो ही नहीं सकता और BI को लेकर हो ही नहीं सकता. मेरे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अक्सर आपने सुना भी होगा कई बार उनके मुंह से, उनका कहना है कि एलोवेरा के पत्ते में और BI के छत्ते में हमारा कोई मुकाबला नहीं. अभी अभी चैलेंज क्या आ रहा है, जब ये सब चीजें मैं देख रहा था तो मुझे फ्यूचर समझ में आने लगा कि फ्यूचर कहाँ है और क्यों जल्दी से सही टाइमिंग. अच्छा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ग्रैब करना ना, राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आम इंसान जीवन में चाहता क्या है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा उसे बहुत अच्छी वेल्थ चाहिए, तीसरा उसे सिक्योरिटी चाहिए, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली सिक्योर हो, और अगर ये सारा कुछ बढ़िया है और पैसा भी आ गया और अच्छी सेहत भी आई तो फैमिली के साथ उसको एंजॉय करूं तो फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी मिल जाए. ये चीजें चाहता है और इंसान हर रूप में, हर प्रोफेशन में कोशिश भी कर रहा है. मैं एक बिजनेसमैन था, मैं बिजनेस के अंदर भी यही कोशिश करता था, पाता था या नहीं पाता था अलग बात है. फॉरएवर के अंदर जब मैं आया तो एक नीड मेरी बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ी चैलेंजिंग नीड थी, जो मेरे को मेरी बिजनेस से बड़ी दुखी होता था, मैं उस पार्ट से बड़ा दुखी होता था. फैमिली बिजनेस में मुझे एक चीज, जो कितने बिजनेसमैन है यहां पर बिजनेस बैकग्राउंड से, कितने लोग हैं ये रिलेट करेंगे मेरे से, बात को करेंगे, समझेंगे मेरी बात. मैं जब अपने क्लाइंट को पेमेंट माल देता था और पेमेंट मांगने के लिए जाता था तो मेरा क्लाइंट जब मुझे पेमेंट देने की बात करता था तो ऐसे बिहेव करता था जैसे मैं उससे अपना पैसा नहीं मांग रहा हूं, उधार मांग रहा हूं. 2-2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग खड़ा है क्लाइंट के पास, वो बड़ी स्टाइल से फोन करके मुझे बोलता है, बेदी जी आपका चेक तैयार है, आप आ जाइए. मैं बड़ी जल्दी अपनी बाइक स्कूटर लेके भागता था, चलो इस बार चेक मिलेगा. जाता था, देखता था 20-25 हज़ार का चेक दे रहे हैं. मैंने कहा यार 2.25 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, 20-25 हज़ार का चेक दे रहे हो, चिंता नहीं करो, डायरेक्टर साहब से लड़के मैंने साइन करवा लिया, अगले हफ्ते एक चेक और दे दूंगा, एक काम और करना, जाते जाते 35 हज़ार का नया ऑर्डर ले जाओ. अब मुझे चिंता इस बात की होती थी कि जब मैं बेस्ट सर्विस दे चुका हूं, मैंने बेस्ट प्रोडक्ट्स दे दिए, प्रिंटिंग बेस्ट आपको दे दी और इकोनॉमिकल रेट पर दे दी, तो मैं अपना पैसा क्यों इस तरह से मांगू. लेकिन फॉरएवर में आने के बाद, फॉरएवर के अंदर ही शायद मुझे वो नीड नजर आई कि जो मर्जी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, ओले गिरे ना गिरे, मौसम बदले ना बदले, एक तारीख का काम 30 तारीख को खत्म होगा, .15 तारीख को चेक आपके हाथ में. ये चीज थी जो मुझे अपील करते. अच्छा, 15 तारीख को गलती से अगर 15 अगस्त आ गई ना तो 16 अगस्त नहीं होगी, 14 अगस्त को चेक मिलेगा. आप जाओ नहीं जाओ, आपका चेक तैयार. अब ये चीज मुझे बड़ी अपील की, और मुझे अपील की कि यहां पे पैसा बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में मुझे जैसे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, यहां वो नहीं करनी पड़ती थी. बिजनेसमैन यही करता है. अच्छा, जॉब क्लास भी अपनी ट्राई तो करता है, जो जॉब में होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है. जॉब में इंसान क्या करता है, बेसिकली जॉब क्लास की जहां तक मैंने देखा है नजरिया क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है, हर 25 तारीख को 1 तारीख का इंतजार चालू. कितने लोग एग्रीड हैं?
बच्चे पूछेंगे छुट्टियां मनाने कहां जा रहे हैं, बेटे इस बार छुट्टियां नाना नानी क्या बचाएंगे। लेडीज मार्केट में गई दो साड़ी देखने के लिए, एक साड़ी वो जो पसंद की और एक्चुअल में एक साड़ी लेके आई, जो पसंद की वो एक्चुअल में छोड़ आई। क्यों? बजटिंग प्रॉब्लम है। फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर यहां पर आप स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आम इंसान को जो चार चीजें चाहिए, जो उसका फाइनेंशियल फ्रीडम उसका मेन एस्पेक्ट है, वो यहां पर हर चीज का सोल्यूशन देता है। तो यहां पर आपको अच्छी सेहत मिलती है और अच्छी सेहत के साथ साथ आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि यहां पर आप अकेले नहीं है। आप अपने जीवन में चेक कीजिए, आपको अगर आपका मकान बन रहा हो और ईंटों का ट्रक खुद खाली करना पड़े तो थक जाएंगे पूरी रात में, लेकिन अगर आपके पड़ोसी साथ में आके उस ट्रक को खाली करने लगेंगे तो देखिएगा बड़े आसानी से कुछ लोग मिलकर उसको खाली करेंगे। फॉरएवर भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है। आप अपनी जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में अपनी परेशानियों का ट्रक अकेले ही खाली करते आते हैं, इसलिए टांग खींचने वाले वहां ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पे हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं। कंपनी आपको सहारा देने को तैयार है, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपकी टीम आपको ऊपर खींचने को तैयार है, क्योंकि यहां पे वन मैन शो नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। टीम के साथ आप आगे बढ़ते हैं। अभी चारों चीजें आपको मिलती है। देखिए बिजनेसमैन के केस में क्या होता है, बिजनेसमैन रिच होता है, वेल्दी नहीं होता है। रिच और वेल्दी का मतलब थोड़ा सा समझना होगा। इस बात को समझने के लिए, रिच वो इंसान है जो अमीर होता है अपनी काबिलियत के कारण, और अमीर होने के बाद कभी भी गरीब हो सकता है। मेरे पापा ने 25 साल 26 साल जिस इंडस्ट्री को दिए, जब अचानक 1.5 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हुए तो वो इंडस्ट्री जीरो हो गई थी। हम रिच थे लेकिन फिर रिच नहीं रहे। लेकिन टाटाज, अंबानीज, बिल गेट्स, इन लोगों ने नेटवर्क बना रखा है, ये नेटवर्क के कारण रिच हुए, एक्चुअल में ये वेल्दी हुए हैं, ये कभी भी गरीब नहीं होंगे। फॉरएवर एक्चुअल उसी तरह से आपको वेल्दी बनाता है जैसे टाटा, अंबानीज और बिरलाज हैं, क्योंकि यहां पर आपकी इनकम और ग्रोथ जो बढ़ती है वो आपके अपने कारण नहीं, एक नेटवर्क के कारण बढ़ती है, और वो पैसिव इनकम होती है, एक्टिव इनकम नहीं होती। उसमें आपको एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, एक समय के बाद एक ऑटो पायलट शेप आपके पास स्टेज लाइफ में आ जाती है। तो ये दौर इस तरह से चलता है और आप अचीव करते हैं। ये बात मुझे उस पीरियड के दौरान करते करते समझ में तो आ गई थी कि एक बहुत सारी चीजों का सलूशन है, फ्यूचर है। एलोवेरा हमारे जैसा ना बनेगा, ना बन सकता है, ना कभी बनेगा। बीहाइव के प्रोडक्ट्स हमारे दुनिया में बेस्ट है, न्यूट्रिशन हमारे दुनिया में बेस्ट है, तो इसकी डिमांड तो 100% होगी। ये बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो इतना आसान भी नहीं था। चैलेंजेस आए मेरे सामने और आते हैं और आएंगे। मुझे याद है मैं पहला चेक मेरा आया था 908 रुपए का। अब पहला चेक 908 का लेके मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी जो नीड थी ना वो बड़ी स्ट्रांग थी, और उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया था कि मेरी लोगों से पेमेंट मांगने की जो हिचक है ना वो मेरी यहाँ खत्म हो जाएगी, मेरे को सोल्यूशन मिलेगा। अभी चेक लेके मैं एक्साइटेड और मेरा मूड बन गया इसको कैरियर बनाने का। और फादर साहब, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने उन्हें 93 में ज्वाइन किया था, फैक्ट्री को वाइंड अप करने का मूड में आ गया। ये बात कभी भी हजम नहीं होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं कभी भी किसी रिलेटिव के यहाँ जाता ना तो मुझे कुछ समझाने वाले मिल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग। और हमारा पंजाबी कल्चर है, मना नहीं करते हैं उनको, यस आंटी यस अंकल करते हैं, क्योंकि संस्कार ऐसे पेरेंट्स ने दे रखे हैं, तो हम लोग उन्हें मना नहीं करते हैं। तो हुआ क्या कि जब मैं किसी के घर जाता था तो लोग कहते थे कि राजा बेटा ऐसा है कि ये जो कंपनियाँ ना ये तो आती जाती रहती हैं, तो प्रोडक्ट्स तो आपके पापा ने बड़े अच्छे यूज़ किए हैं, उनको रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, तो प्रोडक्ट उन्हें यूज़ कराते रहो, लेकिन कभी भी अपनी फैक्ट्री वाइंड अप करने की मत सोचना, कभी भी बदलाव नहीं सोचना। बदलाव से बड़ा खतरनाक काम होता है, फिर दोबारा से स्टेबिलिटी आपके पास नहीं आएगी। अब मैं जानता था कि मेरे हाथ में कौन सा पास पत्र है, मैं उनको मना नहीं करता था, बिलीव था, एक फेथ था मुझे कि मेरे हाथ में एक चीज़ आ गई है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी और मेरी प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे सकती है। वो बिलीव मुझे लेके आगे चल रहा था, लेकिन उसमें चैलेंजेस आते थे, लोग समझाते थे, आपको भी समझाएंगे, डाइवर्ट करेंगे, सबसे पहले फैमिली अंगेस्ट, उसके बाद आपके सर्कल वाले अंगेस्ट, और फिर कुछ ऐसे मिलेंगे, अच्छा तू भी फंस गया, वह बहुत कलाकार बैठे हैं, एक से बढ़कर एक सलाहकार आपके पास बैठे, बड़े अच्छी सा, जिनको कोई फील्ड नहीं होगा वो भी सलाह देंगे। एनीवे,
ये चैलेंजेस तो थे अपनी जगह, और भी चैलेंजेस थे, क्योंकि लाइफ उस समय जिस समय मेरे को फोर आवर आई, लाइफ थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। आल दो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छे संस्कार दे रखे थे मुझे, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ बिताई थी हमारे लिए, हम बचपन बहुत अच्छा देखा था हमने, लेकिन वो टाइम क्राइसिस का था। अभी उस क्राइसिस के टाइम में फोर आवर करने में निकलता तो और नए नए चैलेंजेस आते। मुझे याद है कि उन दिनों में मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, और एक बारी मेरे सर्कल में एक लेडी मैनेजर हैं सीमा गुप्ता जी, उनके डाउन में रोहनी में किसी ने एक मीटिंग रखी और मुझे कॉल किया, सर आपकी एक मीटिंग रखी है क्या आप आ सकेंगे? मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैंने फैक्ट्री में वर्कर्स को अपना कुछ होमवर्क दिया उनको करने के लिए, और मैं स्कूटर लेके चला गया। अभी रोहनी में जब मैं मीटिंग देने के लिए 1 किलोमीटर दूर जब था उनसे पहुँचता हूँ तो मेरा स्कूटर खराब हो जाता है। अभी दोपहर का टाइम है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी पूरी, सूरज तेज है, और मेरा स्कूटर खराब है, और मैंने साइड में खड़े करके उसको किक मारना स्टार्ट किया। दोस्तों आपको शायद हैरानगी होगी जान के, मैंने वहाँ खड़े खड़े 80 से 100 किक के मारी होगी, और मेरे दिमाग में मीटिंग 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 थी, लेकिन वो स्कूटर उस दिन स्टार्ट नहीं हुआ, और मेरे लिए पसीनों पसीनी, लोग देख रहे हैं, अच्छा नेचर मेरा शुरू से रहा है ड्रेसअप टाई वगैरह लगा के, लोग देख रहे हैं सड़क पे इंसान खड़ा है टाई लगाई है, गर्मी का टाइम है, ड्रेसअप है, बैग हाथ में है, लेकिन किक के मार रहा है पसीना। तो मैंने क्या किया, उस स्कूटर को धक्का मार के साइड में सब लेन के ऊपर एक रेडी वाला खड़ा था, कुलचे छोले वो बेच रहा था, मैं धक्का मार के उसके पास ले गया, मैंने स्कूटर उसके साथ में खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई साहब मेरा ना स्कूटर खराब हो गया है तो मैं यहाँ खड़ा करके जा रहा हूँ। तो कहता जी आप चिंता नहीं करो। नहीं नहीं मैंने कहा मैं खड़ा करके जा रहा हूँ, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ, अगर कोई उठाने आए ना तो उठाने देना, क्योंकि ये जाएगा तो कुछ नया आएगा, ये जाएगा नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो वो हंस पड़ा, तो हंस पड़ा, कहता नहीं भाई साहब चिंता मत करो आप जाओ आप आ जाना। उसने देखा ड्रेस अच्छी डाली है, मैंने स्कूटर खड़ा किया, रिक्शा पकड़ा, और रिक्शा पकड़ के मैं गया, मैं रिक्शा पकड़ के गया। अब मेरे जो क्लाइंट थे जो वेट कर रहे थे वो बाहर से वेट कर रहे, सर बड़ी लेट हो गए आप आ रहे थे और रिक्शे पे क्यों आ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं मेरे को ना कोई ड्रॉप करने आया था तो मैं आगे से रिक्शा करके आ गया। अभी उनको क्या बोलूं, बहरहाल मीटिंग की मैंने, मीटिंग बहुत अच्छी गई, पूरा ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कराया, बड़े अच्छी सेल्स वगैरह निकली। एनीवे तो जब मैं वापस आया स्कूटर मीटिंग खत्म करके, तो वो रेडी वाला बोलता जी आपका स्कूटर मैं ले लो। मैंने कहा मुझे ये बताओ यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा? तो बोले पीछे ना पेट्रोल पंप है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आप चले जाओ, धक्का मार के उसके पास एक मैकेनिक बैठा होगा। मैंने गाड़ी घुमाई मेन रोड पर लाया, अब उसके पास जाना मेरी मजबूरी थी। अब मैंने साइड में खड़ा किया और मैंने सोचा एक बार फिर ट्राई कर लूं। दोस्तों मैंने एक किक मारी, पहली किक में स्टार्ट हो गया। तो चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। सक्सेस के समय परीक्षा लेगा भगवान आपकी। मैं शुक्र गुजार करता हूं अपने पेरेंट्स की जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दे रखे हैं, ऐसे संस्कार दिए जिन्हें सही गलत अच्छा बुरा क्या है वो सिखाया था, मेरे संस्कारों में था। इसलिए जब फॉरएवर जैसी चीज मेरी आंखों से गुजरी, ऊपर वाले का शुक्र गुजार है मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा दिमाग, मेरा दिल बंद नहीं था, ओपन था, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। तो फॉरएवर आपको कुछ भी चेंजेस करा सकता है। बहरहाल सक्सेस आनी स्टार्ट हुई, बड़ा अच्छा लगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आई। स्कूटर के बाद मेरे पास कार आई और बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने की, ग्रोथ आगे बढ़ रही थी, फाइनेंशियल फ्रीडम आना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी डिजीज आ गई मुझे, अक्सर हो जाता है इस पीरियड पे दौरान, आप चेक कीजिएगा खासकर मैनेजर सीनियर मेज को, उसे हम कहते हैं कम्फर्टेबल जोन डिजीज़। बड़ी खतरनाक डिसीजन, जब पैसा आ जाता है ना तो आप कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ग्रुप काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, आपको लगता है अब क्या जरूरत है, तो आपको एफर्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और एफर्ट धीरे धीरे जब कम होने लगते हैं तो दिक्कत और आती है, और फिर अचानक चेक फ्लक्चुएट होता है। क्यों? ग्रुप आ रहा है, आपको लगता है आप अचीव हो गए हैं, ऐसे आप चलने लगते हैं थोड़ा सा स्टाइल में, तो दिक्कत क्या है, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क कम हो जाता है। और मेरे साथ भी हुआ, वो गलतियाँ मेरे से भी हुई, अभी गलतियां मेरे से हुई तो समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने दोबारा से फास्ट ट्रैक पकड़ा, काम करना स्टार्ट किया, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, सॉल्यूशन फिर नहीं मिल रहा था, चेक फ्लक्चुएट ही कर रहा था, पहले बढ़ता था अब फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ऐसे में एक बड़ा अच्छा काम हुआ मेरे साथ, मेरी किस्मत फिर दोबारा से अच्छी हुई कि दिल्ली में एक ट्रेनिंग हुई हमारे, उन्होंने कंट्री मैनेजर श्री अमरजीत दुबी सर ने एक बॉस ट्रेनिंग ली, इट इज़ अ फैंटास्टिक ट्रेनिंग, वो मेरे लिए दोबारा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ।
उन्होंने उस पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ मुझे एक ही सबक समझ में आया, उन्होंने लाइफ के चार फैक्टर बताए और उसमें चार सेक्टर बताए। चार सेक्टर में सेकंड सेक्टर था कि जो आपको काम करना है ना वो सेकंड सेक्टर में काम करना है, मतलब आपको उन चीजों पे काम करना है जो इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन अर्जेंट नहीं है। राइट सर? एंड दैट एक्चुअली वॉज अ टर्निंग पॉइंट। मुझे डायरेक्शन मिली कि मुझे किस तरह से काम करना है, मैं क्यों अपनी एफर्ट गलत जगह लगा रहा हूं, दोबारा से एफर्ट कर रहा हूं नहीं पा पा रहा हूं, तो मैंने उस डायरेक्शन को पकड़ना स्टार्ट किया। होता क्या था कि लास्ट मोमेंट में बहुत सारे मैं काम करता था। अक्सर कई लोगों को होता है ना 1+3 लास्ट 31 तारीख को रात को 11:59 पे करना, वो आदत होती है, मेरे पे भी थी, वो थी होती है। ऐसे ही बड़े सारे काम है जो लास्ट मोमेंट पे करते थे, तो समझ में आया वो काम नहीं करना है, टाइम पे करना है, इंपॉर्टेंट वर्क को पहले प्रायोरिटी देनी है और प्रायोरिटी देने के बाद काम को स्टार्ट करना है, तो इजी हो गया मेरे लिए। और दोस्तों उसी ट्रेनिंग का नतीजा है, आप देख रहे हैं, उसके बाद ना सिर्फ मैंने कार प्लान अचीव किया 1, कार प्लान 2, 1 रिपीट हुआ, 2 क्वालिफाई हुआ, 3 क्वालिफाई हुआ, 4 बार कार प्लान हुआ, 4 बार के बाद 5वीं बार कार प्लान 3 मेरा फरवरी में दोबारा से ड्यू है, 5वीं बार कार प्लान 3 मेरा फरवरी में दोबारा से ड्यू है, जिसको ऑलरेडी मैं क्वालिफाई कर चुका हूं, जो ऑलरेडी मैं क्वालिफाई कर चुका हूं उसको। नाउ माय पॉइंट इज, होगा क्या चैलेंजेस आएंगे, आपको भी चैलेंजेस आते हैं, तो होता क्या अक्सर जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा तो काम नहीं चल रहा सर अपलाइन के, मैं तो कई लोगों से बात करता हूं पर मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे फॉरएवर से दूर होते जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको करना सिर्फ इतना है कि फॉरएवर से दूर नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना करना है फोर आवर के और पास आ जाना है, अपनी ट्रेनिंगों को और बढ़ा दीजिए, ट्रेनिंगें कम नहीं करनी उस समय ट्रेनिंगों को बढ़ाना है, जरूरत है आपको ट्रेनिंग की। लोग कहते हैं मैंने 4 BOPP कर ली, 3 NDO कर ली, 2 बार मार्केटिंग प्लान कर लिया, अब क्या करूं, ऐसा नहीं है। आज भी मुझे जरूरत पड़ती है, कमी महसूस होती है, लगता है ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आज भी मौका मिलता है। दिल्ली का जो हमारा प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग हॉल है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी बड़ा होने वाला है, बड़ा नहीं है तो एक सीट अगर खाली मिल जाती है तो मैं पकड़ लेता हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं छोड़ता नहीं हूँ। अभी हम उस ट्रेनिंग हॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। एनीवे द आइडिया ये है कि ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, ट्रेनिंग पकड़नी है। अच्छा, लोग एक्सक्यूज देते हैं, मैं बताऊँ किस तरह से एक्सक्यूज देते हैं। लोग आपको अक्सर कहते होंगे सर देखो आज ना मैं इस फॉर एवर सक्सेस इवेंट में नहीं जा सकता, क्यों, मेरे को ना ये काम है, मेरे पड़ोसी के घर में बर्थडे है, मेरे फलाने जानकार का ना मैरिज है, वहां जाना है। दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आता, मैं मेरे पास कभी एक्सक्यूज़ नहीं आते थे, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि आज तक कभी किसी के पास ऐसा हुआ है, किसी के पड़ोसी के बेटे ने कहा अब तो अंकल गुप्ता अंकल नहीं आए हैं मैं तो केक नहीं काटूंगा, या दूसरा पड़ोसी कहता देखो जी चाचा जी नहीं आ रहे, रिश्तेदारी में दूर के चाचा जी नहीं आ रहे हैं तो इसलिए मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, पोस्टपोन कर दो, वो मना करते हैं, वो टीम होता है। दोस्तों क्या फॉरएवर का इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस यहां मिलेगी वहां नहीं मिलेगी। मेरा बिलीव है अगर फॉरएवर में सक्सेस हो जाओ, 1 लाख रुपए का चेक आ जाए ना, 20,000 रुपए की डायमंड रिंग मैरिज कपल को जाके लड़की वालों को देना, अगली बारी VIP गेस्ट आप हो गए। उस इवेंट को इंपॉर्टेंट मत दो, फॉरएवर के सक्सेस डे को इंपॉर्टेंट दो, और सक्सेस डे नहीं लाइफ टाइम में हर जगह सक्सेस दिलवानी है। तो फाइनली ये दौर ऐसे ही चलता रहा, आगे बढ़ते रहे, हम सीखते रहे, आगे चलते रहे, ऐसे ही आपको भी आगे चलना है। इसके लिए मैं आपको बताऊं जो सक्सेस है इतनी आसान नहीं है, ये सक्सेस के पीछे एक वन मैन शो नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, इसमें जरूरत है आपको काउंसलिंग करने की, जरूरत है आपको उन लोगों को एज ए कोच बनाने की, मेंटर बनाने की जिनकी जरूरत आपको पड़ती है। आज भी लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी सक्सेस मिस की, और ऐसा नहीं था, मुझे लगता था मैं एक्सपर्ट था लेकिन मैं नहीं था, लास्ट ईयर कुछ सक्सेस मिस कर दिया, तो फिर मुझे जरूरत हुई मेंटर की। मैं अपने मेंटर, अपने कोच, मेरे अपने स्पॉन्सर श्री अरुण सुराना जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, शी इज द फैंटास्टिक स्पॉन्सर फॉर मूड। श्री अरुण सुराना जी, हरलालका जी को आज भी थैंक्स करता हूं, आज भी मुझे उनकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, आज भी मुझे उनकी कोचिंग की जरूरत पड़ती है, आज भी इस साल की सक्सेस के पीछे भी उनका बहुत बहुत और बहुत बड़ा हाल है। थैंक यू वेरी मच सुराना जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
कि मैं बहुत लकी हूं कि आपको मैं एज ए कोच मानता हूं, मेरे स्पॉन्सर मानता हूं। इसके अलावा इसके पीछे मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी टीम के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी टीम के मैनेजर्स सीमा गुप्ता एंड टीम, जेके गुप्ता एंड टीम, वरिंदर सिंह सग्गू एंड टीम, और रवि पाल एंड टीम, और विकास बंसल एंड टीम, और नन अदर देन मारे यंगर ब्रदर तरनजीत सिंह, वो अभी मैनेजर है, उनकी टीम, और मेरे बहुत सारे टीम के और सारे डिस्ट्रीब्यूटर, ईच एंड एवरी सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सबका नाम यहाँ से नहीं ले पाऊंगा, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी मनपसंद तरक्की जो वो चाहते हैं फॉर एवर लिविंग में उनको मिले, ये मेरी 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 दुआ है दिल से उनके लिए। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसी की भी ज़िंदगी कभी भी बदल सकता है, और ये इसलिए क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपके सपने थे तो पूरे नहीं हो रहे थे, हो सकते थे, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं था, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, और इस प्लेटफॉर्म को हिंदुस्तान में लाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड में बनाने के लिए रैक्सी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हिंदुस्तान में लाने के लिए श्री अमरजीत उबी सर का, निकिता मैम का। और निकिता मैम के बारे में और बताऊं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो स्टाफ है ना हमारा, ये हमारे लिए जैसे अंधेरे में हम कार रात को लेके चलते हैं तो नज़र तो नहीं आता 2-4 किलोमीटर दूर, लेकिन 200 मीटर दूर आता है, तो जो लाइट होती है ना लाइट, ये वो लाइट का काम करते हैं, ये समय समय पे गाइड करते हैं मैनेजमेंट, हमें गाइड करते हैं राइट लेफ्ट, देखो गड्ढा आ रहा है, ध्यान से ऊपर चढ़ना नीचे उतर रहे हैं, तो पता लगता रहता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन लाइट्स का, और रिक्वेस्ट करता हूँ ये लाइट लाइफ टाइम हम दोनों की, आप दोनों की हमें मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ FLP स्टाफ मुंबई का, एवरीबॉडी ओवर हियर इज अ फैंटास्टिक, समिता, शर्मिला, आशा, एवरीबॉडी इज फैंटास्टिक, रॉयल हैज डन गुड जॉब, सूरज, एवरीबॉडी इज फैंटास्टिक, इवन न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली का स्टाफ फैंटास्टिक है, दिल्ली के ट्रेनर फैंटास्टिक है, दिल्ली के ट्रेनर ही फैंटास्टिक नहीं है, दिल्ली में जो नेट है, नेट रूम है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शुक्रिया अदा मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ तक की सक्सेस में मेरे फैमिली ने बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया है, मेरे मदर, मेरे फादर, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। मुझे याद है मेरे मदर, जब मैं रात को आता था, मेहनत कर रहा था, स्ट्रगलिंग स्टेज थी, तो रात को मेरे को खाना खिलाने के लिए वो जागती थी, और कई बार मैं इतना लेट हो जाता था कि वो मेरा इंतज़ार करते करते डाइनिंग टेबल पे ही सो जाती थी, और फिर मुझे आके उन्हें उठाना पड़ता था। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपनी मदर को यहीं से कि उनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अपने ब्रदर का तरनजीत सिंह बेदी, ही इज़ अ बैकबोन फॉर मी एट द मोमेंट, वो मेरे लिए बैकबोन का काम कर रहा है। आपको जान के हैरानगी होगी कि वो जब मेरे को बड़ी अच्छी बात उसकी ये लगती है कि जब वो सुपरवाइजर था तब से FLP कल्चर उसके अंदर नजर आता है। FLP के इवेंट अगर होते हैं, सक्सेस डे होते हैं, तो अपनी ड्यूटीज लेना स्टार्ट करते थे। अभी पीछे रैक्स और नवाज जी आए हुए थे तो वहाँ फोटोग्राफरी सेशन चल रहा था, तो उसमें अंदर इन्वॉल्वमेंट उसने दिखाई। तो अभी वो मैनेजर नहीं है, नेट मेंबर नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर वो कल्चर आ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी अपीलिंग लगती है। नाउ इज ए मैनेजर, आई एम थैंकफुल टू तरनजीत सिंह जी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वन मैन शो नहीं है, नए लोगों के लिए लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नए लोगों के लिए एक लास्ट में मैसेज। कितने लोग नए हैं फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखने आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने कीमती समय देके मुझे सुना। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़, बड़ा प्यारा मैसेज जो प्रैक्टिकल मेरे पास आपके लिए, वो जरूर मैं देना चाहूँगा अंत में। वो मैसेज सिर्फ इतना सा है कि ये प्रैक्टिकल इवेंट मेरे साथ हुआ, क्या हुआ, मैं और मेरे ब्रदर आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, चंडीगढ़ सक्सेस डे रैली होती थी, वहाँ पर गए हुए थे अटेंड करने के लिए। अब उस रैली के बाद सर्दियों के दिन थे, जनवरी के दिन थे, दिसंबर जनवरी के दिन थे, ठंड बहुत पड़ रही थी। रैली के बाद हमें अगले दिन सुबह जलंधर में किसी पर्सन से मीटिंग करने जाना था, लीडर से मीटिंग करने जाना था। रैली खत्म हुई शाम को 6:30-7 बजे के आसपास, तो मैंने ब्रदर को बोला कि दो रास्ते हैं हमारे पास, दो ऑप्शन हैं, एक तो हम अभी के अभी हम जलंधर चले जाएं और वहां जा आपके कमरा लें होटल पे, और फिर सुबह कस्टमर को वहीं बुला के क्लाइंट को वहीं डील कर लें, और दूसरा अगर थकावट लग रही है तो अभी यहीं खाना खाते हैं, यहीं कमरा लेते, सुबह जल्दी उठ के चल देंगे। बोला नहीं वीर जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बेटर यह है कि अभी के अभी चलते हैं। मैंने कहा डन। हम लोगों को बोला कि अगर अभी जाना है तो ऐसा है कि डिनर वहाँ रात को 11 बजे पहुँचेंगे, 12 बजे तो डिनर नहीं मिलेगा, तो डिनर यहाँ कर लेते हैं। तो डिनर करके हम लोग वो 9:30-9 बजे निकले और जलंधर पहुंचे। सुनने वाला इवेंट है, जब हम जलंधर पहुंचे तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, ठंड बड़ी, धुंध बड़ी हो रही थी। अब अनफॉर्चुनेट हमारे साथ क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उस दिन किस्मत की बात है, हमें किसी भी होटल में कोई कमरा नहीं मिला, हमें
क्योंकि उन दिनों में शादियों का साया बहुत तेज था, हर होटल हर कमरा बुक था, तो हम लोग एक होटल से दूसरे होटल ढूंढते, तकरीबन इसका करते करते रात के 2:30 बज गए। अब 2:30 बजे हम सड़कों पे घूम रहे हैं, रिक्शे वाले को पकड़ रहे हैं, भाई कोई होटल बताओ यहाँ पे, होटल क्या है, तो होटल नहीं बता पा रहा। ऐसे में एक स्कोडा गाड़ी आके मेरे पास रुकती है, मैं सड़क पे अकेला खाली खड़ा हूँ, स्कोडा गाड़ी आके रुकती है, उसके शीशे नीचे उतरते हैं, 3 लड़के मेरी तरफ देखते हैं। अभी 3 लड़के ना बाहर गर्दन निकाल के पूछते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की, कहना पाजी ए रोड दिल्ली नू जाता है? मैंने कहो हैरान, मैं कह जी दसो, कहना आप लुधियाने तो आ रहे हैं तो रोड दिल्ली नू जाता है। अभी जो लुधियाना है वो जलंधर और दिल्ली के बीच में है, और वो आ रहे थे अमृतसर की तरफ से, यानी कि मुझे जलंधर मिले। आप यूं समझिए कि अगर मुंबई से पुणे आप जाते हैं तो सतारा एक जगह होती है, तो सतारा पे हम खड़े हैं और वो कोल्हापुर से आ रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि ये लोड मुंबई को जाता है, तो मैं हैरान था कि उल्टी साइड से आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि हम पुणे से आ रहे हैं। तो मैंने कहा उल्टा कैसे है, मैंने कहा पहले मैं बता दूंगा रास्ता, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आप आ तो अमृतसर से रहे हो? बोला ऐसा, लुधियाना में ना एक फैमिली फंक्शन था, फ्रेंड की शादी थी, अटेंड करने के लिए आए थे, रात को 4-4 पैग लगा लिए, खाया पिया डांस किया, नशा चढ़ा हुआ था, हाईवे पे गाड़ी डाली, राइट टर्न लिया और फिर एक्सीलेटर दबा दिया, पंजाबी गाने चल रहे थे, 150 की स्पीड पे 1.5 घंटा चलाते रहे। चलाने के बाद पता चला कि दिक्कत आई कि खन्ना नहीं आया, अंबाला नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो दिक्कत आई ये हो क्या रहा है, तो रुके और रुक के पूछे किसी से कि भाई साहब ये रोड दिल्ली को जाता है, तो किसी ने बताया नहीं, भाई साहब ये तो अमृतसर आप जा रहे हो, गलत आ गए, वापस यू टर्न लो। तो यू टर्न लेके हम रस्ते में अब जलंधर पे खड़े हैं, ये जानने के लिए दोबारा गलती ना करें कि क्या ये रोड दिल्ली को जाता है। मैंने कहा भाई साहब ये रोड बिल्कुल सही दिल्ली को जाता है। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे एक सबक मिला, हम अपनी लाइफ में, एक जॉब में, एक बिजनेस में, एक प्रोफेशन में, इसी तरह अपनी कार के ड्राइविंग पे सीट पे बैठे हैं और 150-200 की स्पीड से फुल एक्सीलेटर 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल दबा के रखते हैं। जब उन्होंने 1.5 घंटा गाड़ी चलाई तो क्या उन्होंने सोचा था कि कहीं वो गलत जा रहे हैं? लेकिन 1.5 घंटे बाद एहसास हुआ कि रास्ता सही है कि नहीं है, तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। दोस्तों आप चेक कर लो अपनी लाइफ में, आपके एक्सीलेटर 150 पे है, चेक कर लो आपकी लाइफ में, क्या आपकी लाइफ का वो व्हीकल आपको आपके सपनों की तरफ लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं तो अभी के अभी यू टर्न ले लो, 40 साल बाद मौका नहीं मिलेगा, यही सही समय है। फॉर एवर इज द राइट थिंग।